न्यायमूर्ति उन्हें उचित दंड और इनके साथ सिंपैथिक न करे कि हाँ उनको यानी सजा ना दे, कारावास ना दे। मैं चाह रही हूँ कि उन्हें फांसी की सजा मिले। क्या पूरा मामला था कि मेरे आदमी जो है गवाह के अपहरण केस के, तो वो जो है आज 16 साल से लड़ते हुए लड़ आज उनका जो है केस था आखिरी था, तो जिसमें उन्होंने यानी ये हुआ था कि सोमवार को उन्हें जजमेंट मिल जाएगा, और उससे पहले ही शुक्रवार की शाम 24 तारीख को उनके बेटों ने आकर के हत्या किया, और क्या आज वो इस जगह पे नहीं लग रहा है नहीं। ठीक है, फांसी सजा होनी ही चाहिए उनको। कम से कम जो है ये जो घटना किया है इन्हें इस चीज़ का भुगताना, यानी ये भुगते कि कम से कम इन्होंने ऐसे घटना किया है, आज उनके बच्चे या मैं या मेरा परिवार या मेरा समाज उन चीज़ों को आज अधूरा समझ रहा है कि हाँ उनके साथ वो नहीं है, तो उनके साथ ये होना चाहिए कि उनको फांसी सजा जरूर होनी चाहिए। अपहरण का मतलब भी निकल रहा है, कई सुप्रीम कोर्ट पे भी गया था। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट तक भी गया था। मैं ये नहीं जानती कि गाड़ी पड़नी चाहिए या नहीं, मैं ये जान रही हूँ कि उन्हें उचित दंड दिया जाए जो उसके वो मैंने उसके वो हकदार है, क्योंकि इन्होंने मेरे आदमी को निर्मम हत्या करवाई है, तो कहीं ना कहीं इनका जो है अभी तक तो जिन्होंने अपहरण केस पे चल रहे थे तो इन्हें सजा उस तरह से मिल गई थी कि कारावास हो थी, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि इनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। कल कोर्ट में आप मौजूद रहेंगे, कौन बन नहीं, मैं रहूंगी नहीं, मेरा वकील रहेगा, मेरे समाज के लोग रहेंगे, ये सभी लोग वहाँ उपस्थित रहेंगे। मैं सरकार से सिर्फ यही अपील करूंगी कि इन्हें उनका अस्तित्व खत्म किया जाए, नहीं तो ये कल को अगला टारगेट किसी को भी बना सकते हैं। शायद हो सकता है मैं ही हूँ क्यों नहीं, क्योंकि मैं बयां कर रही हूँ तो हो सकता है अगला टारगेट बन जाए, इसलिए मैं ये चाह रही हूँ कि इन्हें सजा खत्म किया जाए, इनको सजा जो दिया जाए वो खत्म होने को दिया जाए, ये खत्म हो जाए किसी। कल जेल से निकलते वक्त अजीत यादव ने कहा कि अगर मान लो कि फांसी पर कोर्ट के बंद करने को मना कर दिया तो उनकी आपको जेल से क्या मैं यही कहूंगी कि अभी तक तो आपको ये लगा था कि आपने मारा, सबको मारा तो आप बच गए, आज निर्मम हत्या करवाई, सरेआम करवाई, और आपको इलाहाबाद आने पे डर लग रहा है कि हाँ मेरी हत्या करा दी जाएगी, तो जैसा आपने बोया है वैसा ही आप काटोगे, तो जिस तरह से आपने किया है ये आपके साथ होनी ही चाहिए कि आपको सजा मिलनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।